आज हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. जैसे एक सेंटेंस में जब बहुत सारे एडजेक्टिव आ जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए. तो उसी के ऊपर एक ये हमारा आज टॉपिक है जिसका नाम है आपका ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसको देख लेना. वैसे मैं कुछ शॉर्ट में बताऊँ, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. कि लाइक मैंने बोला टॉल बॉय, तो बॉय कैसा, भाई बॉय आपका टॉल है, तो जो टॉल है वो आपका एडजेक्टिव है, राइट. तो उसी पे हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के लिए एक छोटा सा रूल लिखा हुआ है मैंने, इसका नाम है, आप इसको कैसे रन कर सकते हैं, ओसैस कॉम. ठीक है, ओसैस कॉम. अब ये क्या मतलब है ओसैस कॉम का? ओ मीन्स होता है आपका ओपिनियन, ओ स्टैंड फॉर ओपिनियन. ओपिनियन मतलब कि लाइक मतलब कि जो पर्टिकुलर चीज़ है वो कैसी है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि वो ग्रेट है या लवली है या अगली है या ब्यूटीफुल है, क्या है, तो दैट इज ओपिनियन. ठीक है, ओपिनियन के बाद आपका एस, तो ये वाला जो एस है ये आपका साइज के लिए होता है कि मतलब जो आपका एडजेक्टिव है वो क्या कर रहा है, वो साइज को बता रहा है कि बिग है या टाइनी है, तो फिर साइज आएगा उसके बाद. फिर आपका जो ये ए है, ए स्टैंड फॉर एज, कि उसकी क्या एज है, वो यंग है या फिर वो ओल्ड है या अडल्ट है. ठीक है, तो जो आपका ए है वो एज को बताता है. उसके बाद जो आपका दूसरा जो एस है ये वाला, दिस इज फॉर शेप, कि उसकी शेप कैसी है, अगर वो शेप को बता रहा है तो राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है या ट्रायंगुलर है, कैसा शेप है. सी स्टैंड फॉर कलर, उसके बाद फिर हम लोग कलर लिखते हैं, मतलब जो भी कलर होगा उसका, रेड वगैरह जो भी कलर है, तो फिर आप उसके बाद आप कलर लिखोगे. देन उसके बाद आएगा आपका ओरिजिन, तो ओरिजिन मतलब कि लाइक वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल वी आर द इंडियंस, ठीक है, तो हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा ओरिजिन है इंडिया. ओके, तो उसके बाद फिर हम लोग ओरिजिन लिखते हैं. देन वील राइट मटीरियल, कि वो जो है मतलब एक पर्टिकुलर चीज जिसकी हम बात कर रहे हो किसका बना हुआ है, उसका क्या, वो किस, कौन से मटेरियल का बना हुआ है, जैसे वुडन है या सिल्क है या फिर कॉटन है. ठीक है, कॉटन साड़ी तो क्या है, मतलब इस तरह से फिर आप लिखोगे उसमें मटीरियल. और देन आपका आएगा पर्पस, ठीक है, कि वो जो एक पर्टिकुलर चीज़ है वो किस पर्पस के लिए, लाइक जो डेस्क है वो किसके लिए, राइटिंग के लिए, जो स्कूल है, आई मीन जो शूज है वो क्या है, वो स्कूल का शूज है, वो स्कूल के लिए है, तो फिर आपका आएगा पर्पस. ठीक है, तो ये ओसैस फॉर्म को फॉलो करते हुए यहाँ पे मैंने एक मैंने थ्री फिलअप दे रखे हैं जिसमें आपको चूज अ करेक्ट ऑप्शन करके ये फिल करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको. चूज अ करेक्ट ऑप्शन, देखो ये सारे हमारे एडजेक्टिव है, वुडन, ब्यूटिफुल, स्क्वायर, तो ये सब आपके एडजेक्टिव है. गोल्ड, अनयूजुअल, बिग, ब्लैक, ब्लैक बिग, तो दीज ऑल आर द एडजेक्टिव. तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, एट होम देयर इज अ डैश टेबल इन द डाइनिंग रूम. ठीक है, अब घर पे मतलब डाइनिंग रूम में एक टेबल है, तो टेबल कैसी है, ये जो है हमारी क्या, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव्स है जो टेबल के बारे में बता रहा है कि टेबल वुडन है, ब्यूटिफुल है, स्क्वायर है, तो क्या आना चाहिए, पहले आपको वुडन लिखना है या पहले आपको ब्यूटीफुल लिखना है या फिर आपको पहले स्क्वायर लिखना है. तो मैंने आपको क्या बताया, रूल जो है हमारा ओसैस कॉम्प, तो ओसैस कॉम्प में क्या होता है, सबसे पहले ओ होता है, ओ स्टैंड फॉर ओपिनियन, तो कैसा ओपिनियन है उस टेबल को लेके, कैसा ओपिनियन है, जो टेबल है वो ब्यूटीफुल है. ठीक है, तो सबसे पहले नो लिखेंगे ब्यूटीफुल. ओके, उसके बाद क्या होता है, फिर होता है आपका साइज, तो साइज की तो उसने बात ही नहीं करी. फिर होता है आपका एज, तो एज भी इसने हमें नहीं बताया. फिर आपका आ गया शेप, ठीक है, तो शेप क्या है हमारी, जो शेप है वो स्क्वायर है, तो ब्यूटीफुल स्क्वायर, तो लास्ट में क्या बचा, वुडन, और वैसे भी जो वुडन है वो मटेरियल है, तो ये लास्ट में आ रहा है, तो इसमें लास्ट में आप लिखोगे वुडन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ब्यूटीफुल स्क्वायर वुडन. एट होम देयर इज अ ब्यूटीफुल स्क्वायर वुडन टेबल इन द डाइनिंग रूम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. आप सेकेंड पर मूव करते हैं. I was offered dash ring by my husband. मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे एक रिंग ऑफर करी. ठीक है, या मेरे हस्बैंड ने मुझे एक रिंग दी, तो क्या है, गोल्ड, अनयूजुअल या फिर अनयूजुअल गोल्ड. ओके, तो सेम, सबसे पहले क्या होता है, हमारा ओपिनियन होता है, तो उस जो रिंग है उस रिंग के बारे में हमारा कैसा ओपिनियन है, कि जो रिंग है वो है एक अनयूजुअल रिंग, राइट. तो अनयूजुअल विल कम फर्स्ट. फिर आपका उसके बाद मटीरियल, तो मटीरियल वो किसका बना हुआ है, मतलब द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो जो गोल्ड है वो आपका मटीरियल है, तो आपका आंसर होगा
एन अनयूजुअल रिंग आई वॉज ऑफर्ड एन अनयूजुअल रिंग बाय माई हस्बैंड. अब थर्ड पे आते हैं, इट मे रेन, बारिश हो सकती है. देर आर डैश क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द एयर. ठीक है, बिग ब्लैक या फिर ब्लैक बिग, क्या लिखेंगे आप, बिग ब्लैक लिखेंगे या फिर ब्लैक बिग लिखेंगे, तो देखते हैं. तो सबसे पहले हमारा आता है साइज. ठीक है, साइज आता है क्योंकि ओपिनियन तो इसमें इसने बताया नहीं है, तो उस पर हम लोग साइज पर मूव करेंगे. तो साइज तो मतलब हमें पता ही है कि साइज कैसा है, जो क्लाउड्स है वो कैसे, वो बिग है, तो बिग है. उसके बाद देन आपका कलर, ये देखो ये कलर साइज और फिर कलर, तो फिर बिग ब्लैक, बिग ब्लैक, दिस इज द आंसर. तो इट मे रेन, देर आर बिग ब्लैक क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द एयर. आई होप को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.